एटम का सेंटर न्यूक्लियस, सोलर सिस्टम का सेंटर सन, गैलेक्सी का सेंटर सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन कभी सोचा है ब्रह्मांड का सेंटर कहाँ है? ब्रह्मांड का सेंटर ठीक आपके सर के ऊपर है। आप अभी ऊपर देखो और आपको जो भी दिखेगा वो ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन कैसे? वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट, मैं हूँ आपका होस्ट उमंग, और चलिए इस टॉपिक के बाल की खाल को उखाड़ के देखते हैं। सो सबसे पहले हम एक मिथ बस्ट करेंगे। पृथ्वी पे रह रहे कुछ लोगों को लगता है कि ओक्लाहोमा में मौजूद ये सर्कल यूनिवर्स का सेंटर है, क्योंकि इस सर्कल में खड़े रह के अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे खुद की आवाज जोर से सुनाई देगी, लेकिन बाहर वाले को कुछ नहीं सुनाई देगा, मतलब कुछ भी। एक अकोस्टिक साउंड फिनोमिना के वजह से आप उसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कह दोगे। वैसे वैज्ञानिकों ने इसे गलत प्रूव कर दिया है। सो अगेन, यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है? अब यूनिवर्स का सेंटर ढूंढने की कहानी तो काफी पहले ही शुरू हो गई थी, मतलब कुछ 150 CE में, जब सबसे पहली बार एक अलेक्जेंड्रियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन टॉलमी ने जियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया था। इस मॉडल के अनुसार हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है, सारे प्लैनेट्स और सन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और सारे स्टार्स जो हम रात को देखते हैं वो हमारे प्लैनेट्स के बाद आते हैं। आज हम सबको पता है ये मॉडल कितना ज्यादा गलत है, लेकिन उस वक्त बिना किसी प्रूफ के भी लोगों ने इसे क्यों अपनाया? जब मैं इस चीज पे सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये वो पीरियड था जब ओवरऑल वर्ल्ड में रिलीजन अच्छे से ग्रो कर रहे थे, मतलब ह्यूमंस में उस टाइम पे रिलीजियस भावनाएं काफी ज्यादा थी, और ये वो पीरियड था जब रिलीजन को प्रमोट करने वाले जो हेड्स थे वही सारे कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, और उन्हीं का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था। और इस मॉडल के अनुसार सेंटर में अर्थ है, उसके अराउंड प्लैनेट्स एंड हमारा सन, और उसके अराउंड सारे स्टार्स। उसके बाद जो स्पेस में जगह बच गई वहां लोग अपने हिसाब से हेवन और हेल प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये मॉडल रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहा था, इसी वजह से सारे लोगों ने इस मॉडल को अपना लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं अपनाया उनका क्या हुआ? दर्दनाक मौत। यस, निकोलस कॉपरनिकस का मॉडल, कॉपरनिकन मॉडल, जिसमें सन सेंटर में था और बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते थे, ये दुनिया के सामने आए उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन जिन्होंने उनके उस मॉडल को सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया, मानो उन्होंने अपनी ही मौत को बुलावा दिया। जियोर्डानो ब्रूनो 1600 के वक्त के फिलोसोफर और कॉस्मोलॉजिस्ट, जिन्होंने उनके इस मॉडल को सपोर्ट किया था, उन्हें समाज के बीच में सबके सामने जिंदा जला दिया गया। जैसे आज हम सबको पता है गैलीलियो जिन्होंने इस मॉडल को सपोर्ट किया था, उन्हें हाउस अरेस्ट, जिंदगी भर के लिए घर में कैद करके रख दिया था। लेकिन थैंक्स टू गैलीलियो और आइजैक न्यूटन जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया और हम सबको जो सच है उससे वाकिफ करवाया, पर अभी भी जो हम जानते हैं वो आधा सच है। आज तक हमें ये नहीं पता कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर क्या है। अब ये सवाल सुनने के बाद जो न्यूबीज है, जो एस्ट्रोफिजिक्स में नए नए आए, वो एक बॉम ब्लास्ट वाला मॉडल लेके आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बॉम ब्लास्ट को रिकॉर्ड करें और फिर उसे रिवर्स ऑर्डर में प्ले करें तो हमें उस बॉम ब्लास्ट का एपिसेंटर यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये पता चल जाएगा। सिमिलरली बिग बैंग भी तो एक ब्लास्ट ही है, और सारे गैलेक्सीज उस ब्लास्ट से निकले हुए पार्टिकल्स। सो अगर हम उन सारे गैलेक्सीज को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेस करें तो हमें बिग बैंग का सेंटर मिल जाएगा, इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये सुनने में सही तो साउंड करता है, लेकिन असल सच कुछ और ही है। एडविन हबल के वजह से आज हम एटलीस्ट ये जानते हैं कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से काफ़ी दूर जा रही है, और जितना हम दूर देखते हैं उनकी स्पीड उतनी ही तेज होते जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी मिल्की वे सेंटर में है। देखो, जैसे हम सबको पता है पूरा यूनिवर्स सारे डायरेक्शन में इक्वली बढ़ रहा है। स्पेस फैब्रिक के एक्सपांशन के वजह से सारी चीज़ें एक दूसरे से सेम स्पीड में दूर जा रही है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आप एक कपड़ा कंसीडर करो जिसपे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारी गैलेक्सीज है, और वो एक दूसरे से दूर जा रही है, और हम इन्हीं गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी के अंदर है। इसलिए जब भी हम पूरे बिग बैंग को रिवर्स ऑर्डर में प्ले करते हैं उसका सेंटर वो हमें हमारे सर के ऊपर यानी हमें बताता है। हेंस बिग बैंग को रिवर्स ऑर्डर में प्ले करके हम उसका सेंटर तो नहीं जान सकते, बट क्या आपने इस एग्जांपल में एक चीज नोटिस की? हम रेडियल डायमेंशन को टाइम कह रहे हैं। थोड़ा इस टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले चलो आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ लेते हैं। तो जैसे हमें पता है जनरल रिलेटिविटी इस थियोरी को प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे मास एंड एनर्जी के प्रेजेंस में ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में वॉर्प हो जाती है। हेंस हम जनरल रिलेटिविटी को यूज करके अर्थ के वजह से स्पेस टाइम में प्रोड्यूस हुए कर्वेचर को भी जान सकते हैं।
सन से प्रोड्यूस हुए कर्वेचर को भी जान सकते हैं, एंड सिमिलरली पूरे गैलेक्सी के वजह से प्रोड्यूस हुए कर्वेचर को भी इजीली जान सकते हैं। एंड अगर देखा जाए तो इसे यूज करके हम पूरे यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल कर्वेचर को स्टडी करके यूनिवर्स का शेप भी जान सकते हैं और फिर इजीली उसका सेंटर भी ढूंढ सकते हैं। आइडिया अच्छा है, बट ऐसे यूनिवर्स के शेप को जानने का आइडिया आइंस्टाइन ने नहीं, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने प्रपोज किया था। उन्होंने जानबूझ के ओवरऑल यूनिवर्स में मौजूद छोटे छोटे ग्रेविटेशनल बम को इग्नोर करके एक फ्लैट फैब्रिक कंसिडर किया जो पूरे यूनिवर्स में इक्वली स्प्रेड है। इस अजम्पशन ने उन्हें मोशन का इक्वेशन दिया जिसे यूज करके वो इजीली जान सकते थे कि ब्रह्मांड शुरू से लेके अभी तक कैसे इवॉल्व हुआ होगा। और उस इक्वेशन ने हमें ये भी बताया कि या तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन थैंक्स टू हबल जिसने हमें सच बताया कि हाँ यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखने जाए तो यूनिवर्स के तीन अलग अलग मॉडल्स बन सकते हैं, लाइक नंबर 1 क्लोज्ड, नंबर 2 ओपन एंड नंबर 3 फ्लैट। एग्जैक्ट शेप डिपेंड करता है यूनिवर्स के अंदर कितना ज़्यादा मैटर और एंटी मैटर मौजूद है। अगर मैटर ज़्यादा होगा तो यूनिवर्स मतलब ग्रेविटेशनल का कर्वेचर ज़्यादा होगा, और इसी का ऑपोजिट अगर एंटी मैटर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल कर्वेचर उतना ही ज़्यादा छोटा या फिर कम होगा। ये समझ गया। अब वापस आ जाते हैं रेडियल डायमेंशन पे जिसे हम टाइम कहते आ रहे हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक क्लोज स्पीयर है जो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। अब ये जो लाइन है वो तो एक्चुअली में स्पीयर का रेडियस है यानी रेडियल डायमेंशन जो वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम इसी डायमेंशन को इसी लाइन को टाइम कहते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम पास्ट में किसी भी चीज़ को पॉइंट करके उसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। देखो इस स्पीयर ऑफ यूनिवर्स पे समझते हैं, ये है रेडियल लाइन, हम यहाँ हैं अभी, मतलब ये है हमारा प्रेजेंट। हमारे लेफ्ट में जो है वो है पास्ट और राइट में जो है वो है फ्यूचर। और अगर मैं पास्ट में मौजूद किसी भी चीज़ को पॉइंट करूं और मुझसे लेके उस ऑब्जेक्ट तक लाइन ड्रॉ करूं और उसे एक्सटेंड करूं आगे तक तो मुझे बिग बैंग के शुरुआत तक लेके जाएगी, हेंस सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मून से आती हुई लाइट को हम तक पहुंचने में 1.3 सेकंड्स लग जाते हैं, यानी आप जब भी चांद को देख रहे हो वो एक्चुअली में एक सेकेंड पहले वाला चांद है, यानी आप पास्ट में देख रहे हो। तो आप चांद को पॉइंट करके बोल सकते हो कि वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। आई नो ये कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, बस थियोरी में ही अच्छा लगता है, बट थियोरी में भी वैज्ञानिकों ने इसे नाम दे के रखा है नल जियोडेसिक्स। सिंपल भाषा में पास्ट में किसी भी डायरेक्शन में देखो, पॉइंट करो और कह दो ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। बट आज भी हमें यूनिवर्स का सेंटर नहीं पता है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बाद भी हम यूनिवर्स के बारे में ना के बराबर जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वेल मैं तो कहूँगा शायद इसलिए क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ विजन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए अब इस बाइक को देखो, क्या लगता है इसका सेंटर कहाँ है? अब नॉर्मल पब्लिक के जैसे आप सोचोगे तो आप क्या करोगे, इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो लाइन से डिवाइड करोगे और फिर वो दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उसे आप कह दोगे सेंटर ऑफ दिस बाइक। लेकिन एक ऑब्जेक्ट में दो सेंटर होते हैं, नंबर 1 जियोमेट्रिक सेंटर, नंबर 2 सेंटर ऑफ मास। दो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो उसका जियोमेट्रिक सेंटर है, लेकिन बाइक का वो पॉइंट जहाँ से आप पूरे बाइक को सही से बैलेंस कर सकते हो उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अब ये वीडियो देखो, इसमें कैसे इस बंदे ने सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे पूरे बाइक को बैलेंस कर दिया है। सिमिलरली हमारे यूनिवर्स का भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है, लेकिन वॉट इफ हम ओवरऑल यूनिवर्स के सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है और हमें इन सारे पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है यूनिवर्स का सेंटर, कैसे ढूंढ सकते हैं हम उसे? जो भी आपका जवाब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बॉस ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और सोल्यूशन भी जल्दी मिलता है। चलो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।